देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड डी एक्स वाई, बता चुके हैं, ए एक्स भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब ए एक्स बी का मतलब एक्स की वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू है ना, और ये डायग्राम है, आवाज नहीं, देखिए आपको ये दिख रहा है डायग्राम है ना, इसमें आपको क्या बताना है, ये एक्स बताना है, यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब आपको देखिए ये याद रखना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है, क्यों होता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। एंगल बी बराबर एंगल वाई, एंगल बी एंगल वाई के बराबर होगा, तो एंगल वाई 45 था, तो एंगल बी भी 45 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा यहाँ पे ये क्यों होता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आप बताइए हमें कौन सी लगेगी कि ये क्यों इसके इक्वल है, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो आपको ये बदल गया 45 डिग्री है, ठीक। अब आपको पहले ये पता हो जाए ये कितना होगा, तो अगर आप इस लाइन को यूँ देखें तो इस लाइन को ये यूँ है, इस लाइन को आप यूँ बना लिए ताकि आपको कुछ याद आ जाए, तो इस लाइन को आपने जैसे ही यूँ बनाया उसमें से यूँ लाइन खींची है, ये नॉन निकल गई, ये 95 है, तो ये कितना होगा, आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज याद हो जाए आ रहा होगा कि इन दोनों का सम 180 होता है, यानी कि ये जो है उसको 180 से घटा दो ये आ जाएगा, है ना, यानी कि इसी तरह 95 है, इसको 180 से घटा देंगे ये पता चल जाएगा। तो हम एंगल एक्स ए बी या बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स यानी कि जो बीच में होता है उसकी बात कर रहे हैं पहले इसको निकालने के लिए, बराबर 180 माइनस 95, क्योंकि भाई लीनियर पेयर लिख देंगे, लीनियर पेयर से ये लॉजिक हमने लगाई कि यहाँ पे 180 से क्यों माइनस करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी ये होती है कि एक एंगल दिया दूसरा निकालना है तो 180 से इसको माइनस कर दो, ठीक है, यानी दो एंगल के साथ 180 होता है ये कह सकते हैं। 180 में से 95 गया कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गया 8, तो एंगल बी ए एक्स यानी कि जो बीच वाला होता है उसकी बात हो रही है, एंगल ए यानी कि इधर से एंगल ए ये है, उसकी वैल्यू 85 हो गई, ठीक। अब हमें ये एंगल बदल गया, ये एंगल बदल गया, ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक, और किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जोड़ने पर कितना आता है 180, तो ये 45 है, ये 85 है, ये 45 है ना, ये कितना होगा, तीनों का सम 180 होता ना, तो x प्लस 45 प्लस 85 बराबर 180, x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 9 9 4 13 130 बराबर 180 डिग्री है ना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 180 माइनस 130, ठीक, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो 180 में 130 गया 50 डिग्री बचा, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, ठीक है।